नींद, स्लीप, स्लीप इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूँ कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अंदर ये देखा गया है कि वो बहुत हद तक इसलिए होते हैं क्योंकि जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है वो ड्राउजी होता है, मतलब कि उसकी नींद पूरी नहीं होती। और जो हमारे एडल्ट्स हैं उनसे एक सर्वे में पूछा गया तो ये पता चला कि जो उनमें से हाफ पॉपुलेशन है, जो आधे लोग हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि नींद कितने घंटे की हो जो कि पूरी हो, और अगर पूरी नहीं हो रही, नींद आ नहीं रही, तो उसके क्या कारण है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, और अच्छे से सोने से जो बेनिफिट्स होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में, तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हो वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कितने घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर एक पैदा हुआ वो बच्चा, इन्फेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए 16 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर टीन एज का बच्चा है तो उसके लिए 9 घंटे की नींद कम से कम बहुत ज़रूरी है, और एडल्ट्स के लिए जो बड़े लोग हैं उनके लिए सिर्फ 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, और 7 से 8 घंटे की नींद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, उसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उस सबसे पहला फ़ायदा उसका ये है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है, जो आपकी मेमोरी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है अगर आप प्रॉपरली स्लीप लेते हो, रेस्ट लेते हो। अगर आप स्लीप प्रॉपरली नहीं लेते, पूरे टाइम तक नहीं सोते हो, तो क्या होगा, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे चीज़ों पे, आप मतलब कि समझ ही नहीं पाओगे उनको, और वो याद भी नहीं होगी। और बहुत सारा जो काम होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो ड्यूरिंग स्लीप चलता है, मतलब कि जब आप सो रहे होते हो तब चलता है, तो इसीलिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद किस लिए ज़रूरी है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है, जो जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर आप प्रॉपरली नहीं सोओगे, आप प्रॉपरली नहीं सोते हो, तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और आपको इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस कारण से। और उसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अब किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है बहुत सारी बीमारियों का, और वो बीमारियाँ कुछ छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, स्ट्रोक हो गया, ऐसी ऐसी डिजीज, हार्ट अटैक हो गया, ये सब कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप प्रॉपरली सोते नहीं हो तो। अगला क्या है कि अगर आप प्रॉपरली सोओगे नहीं तो शॉर्ट आपकी जो स्लीप होगी, तो शॉर्ट स्लीप क्या करती है, आपको शॉर्ट टेम्पर्ड कर दिया। अब शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है कि गुस्सा जो जल्दी आ जाना, वो चीज़, क्योंकि जो स्टेज है दिमाग के अंदर, जो मतलब प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिल रहा है ब्रेन को, वर्किंग 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 उसमें है वो, और जो स्टॉपेज है, जो रेस्ट का टाइम है, वो बहुत कम है या फिर है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक कारण है कि आपको प्रॉपरली स्लीप लेनी चाहिए। और क्यों आपको स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपका शरीर है, मानो कि आप जिम जाते हो, आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, आप एक एथलीट हो, तो क्यों चाहिए आपको प्रॉपरली स्लीप। ऐसा बोला भी जाता है एथलीट्स को कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, इतने घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली सोते हो तो क्या होता है, आपके शरीर में बहुत जो सेल्स है, सारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो उनकी रिपेयरिंग होती है, जो जो चीज़ें खराब है वो रिपेयर करता है बैठ के शरीर रात को। ओके, तो वो रिपेयरिंग होती है। और क्या होता है, जो मसल होते हैं वो बिल्डअप होते हैं कब, रात को जब आप नींद में होते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो फैट होता है वो बर्न होता है, तो अगर आप प्रॉपरली सोओगे नहीं, पूरा टाइम तक नहीं सोओगे जितना आपको ज़रूरी है, तो आपका क्या होगा, वेट भी बढ़ सकता है, वजन जो है वो बढ़ सकता है। अब कुछ लोगों के क्या क्वेश्चन होते हैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ या करता हूँ सोने की, लेकिन नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आती तो मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता हूँ, फेसबुक चलाता रहता हूँ, वीडियोस देखता रहता हूँ, तो क्या करूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको ध्यान देना है अपने ऊपर कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या आप कैफीन ले रहे हो, क्या जो कॉफ़ी वगैरह होती है वो ले रहे हो आप रात के टाइम पे। अगर किसी को ये हैबिट है कि वो रात को कॉफ़ी पीते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं, तो नींद नहीं आएगी भैया, क्योंकि वो कॉफ़ी जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है सोने में, तो रात को ये चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी। उसके बाद अगर आपकी रात ऐसी होती है कि मतलब कि सब कुछ काम निपटा दिया, उसके बाद बेड पे लेट गए, या तो फोन स्क्रॉल करते रहे, फोन चलाते रहे, स्क्रीन टाइम, या फिर आप टीवी देख रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, तो वो दोनों चीजें अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन टाइम को
बंद कर देना है, रात को सोते टाइम नहीं यूज करना है फोन, या फिर बहुत कम यूज करना है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो कर सकते हैं बस, अदरवाइज सिर्फ देखने के लिए या फिर इसलिए कि अभी नींद नहीं आ रही, अभी नींद नहीं, तो नहीं आएगी। जितनी देर तक चलाते रहोगे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो वो चीज़ें आपको कम करनी है। उसके बाद आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है कि आप क्या खाते हो। अगर आप ये जंक फूड खाते रहोगे या फिर कैफीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेते रहोगे, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या कॉफ़ी हो गई, ये चीज़ों पर ज़्यादा रहोगे तो नींद नहीं आएगी प्रॉपरली, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है हर एक चीज़ को आपकी, तो उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल करते ही नहीं, कोई वॉक करने की, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, करते ही नहीं बिल्कुल वॉक वो कुछ भी नहीं, तो प्लीज़ वो करना शुरू कर दो, क्योंकि वो भी अफेक्ट करती है आपकी स्लीप को। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, आप प्रॉपरली सो सकते हो, कितने घंटे आपको सोने, आपको पता चल गया, बेनिफिट्स आपको पता चल गया, बेनिफिट्स पता चल गए तो नुकसान भी आपको पता चल गए, तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये लगता बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत एक बड़ी चीज़ है ये आपकी ज़िंदगी की। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर भेजना, ताकि उन्हें भी नींद की, स्लीप की इंपॉर्टेंस का पता चल सके।